जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम एड जी। और इस वीडियो में बात करूंगा थोड़ा सा यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, हिंदी माध्यम की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रही। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि हिंदी माध्यम से कितने रिजल्ट हुए, क्या हुआ। इससे पहले मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था तो ना के बराबर रिजल्ट है, 1% से भी डाउन रिजल्ट है, यानी कि दो चार ही आपको लोग देखने को मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं, निराशा की बात ही है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था एक आपको, और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा। मोटिवेट क्यों करेगा? क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊंगा इस एग्ज़ाम की, और हिंदी माध्यम के लिए क्या आगे का प्रोसेस होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आपके मन में कैसे कैसे सवाल आ रहे होंगे, थोड़ा सा उनको डिस्क्राइब करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए, स्टेट पीसीएस कर लेते हैं। कुछ लोग कहेंगे छोड़ो यार, नहीं हो रहा है तो स्टेट पीसीएस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आईएएस ही बना जाए। जो ग्रुप होता है ना, एक बैठे रहते हैं सर सारे लोग, तो क्या कहते हैं कि चलो कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है यार, आईएएस बने, पीसीएस बन जाए, कुछ और कर लें, क्या दिक्कत है ना। इस प्रकार से आ रहा होगा मन में। जब किसी का हो ही नहीं रहा है तो पढ़कर होगा क्या? कुछ लोग डिमोटिवेट इस वजह से हो रहे होंगे कि किसी का हो ही नहीं रहा है तो पढ़ के क्या करेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्या आ रहा होगा? क्या अब भी मैं आईएएस बन सकता हूँ? आपके मन में कहीं ना कहीं फिर से दोबारा से आ रहा होगा, क्योंकि आ रहा होगा जब हिंदी मीडियम से बन ही नहीं पा रहा है तो कोई तो मैं कैसे बन सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या हो रहे हो, डिमोटिवेट अपने आप में हो रहे होगे। क्या मैं आईएएस अब भी बन सकता हूँ? जब कोई नहीं बन रहा है तो मैं कैसे बन जाऊँगा? कहीं ना कहीं जब दो चार लोगों का ही हो रहा है तो मेरा हो पाएगा, ये आपके मन में शंका होगी। दो चार लोगों का हो पा रहा है तो क्या मैं उन दो चार लोगों में आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा? किस कोचिंग संस्थान में पढ़ें? कोचिंग संस्थान की वैल्यू बिल्कुल खराब हो चुकी है पूरा 2011 से लेकर अब तक, है ना। तो आप सोच रहे हो किस कोचिंग संस्थान में लें, कैसे पढ़ें, क्या खुद से अब भी कर सकते हैं? जब कोचिंग संस्थान नेक्स्ट जो है, जब कोचिंग संस्थान वाले नहीं निकाल पा रहे हैं, जो स्टडी करा रहे हैं आप लोगों को, वो नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी कि वो नहीं निकलवा पा रहे हैं, है ना। इतने लोगों को पढ़ा रहे हैं अच्छे ढंग से, इतनी टेस्ट सीरीज ये सब हिंदी मीडियम ने मतलब कितना पैसा एक तरह से लगाया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आए हैं। तो क्या आपको लग रहा होगा क्या मैं अब निकाल पाऊंगा? जब कोचिंग संस्थान वाले नहीं निकलवा पा रहे हैं इतनी मेहनत करके करवा के, तो क्या मैं निकाल लूंगा अपने आप से? कुछ नहीं, कुछ लोग सोचेंगे कुछ नहीं यार, जॉब लग जाएगा बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं आपके मन में चल रही होंगी चीज़ें। निराशा तो भरी पड़ी हुई है पूरे हिंदी मीडियम के अंदर, और ये निराशा कहाँ पर फूटेगी? अब यूपीएससी पर फूटेगी ये, कि यूपीएससी में आंदोलन किया जाए। यूपीएससी गलत कर रही है, भेदभाव कर रही है, और वो हिंदी मीडियम वालों को ले नहीं रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी कोचिंग संस्थानों में। कोचिंग संस्थानों में आपको भड़काया जाएगा इसके लिए कि आप आंदोलन कीजिए। आप आंदोलन करेंगे फिर से कोई चेंज होगा, फिर भी स्थिति यही रहेगी, डाउन रहेगी, क्योंकि आंदोलन से कुछ नहीं होगा। आपको पैटर्न समझना होगा हिंदी मीडियम को करना क्या होगा, क्योंकि ये मेरा सॉल्यूशन वाला वीडियो है। पहला वीडियो मैंने बताया था कि किस प्रकार से कोचिंग संस्थानों ने एक तरह से फर्जीवाड़ा एक तरह से हो रहा है कोचिंग संस्थानों का। हालांकि कोचिंग संस्थानों का फर्जीवाड़ा मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि पढ़ा रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये अपने आप में फर्जीवाड़ा ही है ना। अब थोड़ा सा उनको रिव्यू करना चाहिए, कोचिंग संस्थानों को सभी को रिव्यू करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप उसी कोचिंग संस्थान में लें। मैं एक फॉर्मूला आपको दूंगा आज यहाँ पर, किस कोचिंग संस्थान में आप लें। आपको एक गुरु की पर्सनल गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी यदि आप किसी भी कोचिंग संस्थान में ले रहे हैं, चाहे बड़ी हो छोटी हो कैसी भी हो, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए कोई है, पहले बता देता हूँ मैं आपको कहाँ पर क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान तो चलेंगे ही चलेंगे, वो बंद तो होने वाले नहीं है, आप कोचिंग संस्थान की तरफ ही भागोगे फाइनली कहीं ना कहीं। तो आपको करना क्या होगा? कहीं ना कहीं देखिए, कोचिंग संस्थान वाले पढ़ाते क्या हैं, पढ़ाते नहीं मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते क्या हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं कि अध्यापकों का जो रेशियो है वो 1:30 का होना चाहिए, है ना। प्राइमरी और इस एजुकेशन में 1:30 का होना चाहिए, एक टीचर पर 30 लड़के होने चाहिए। क्या कराने के लिए? नर्सरी पास कराने के लिए। सोचिए, नर्सरी पास कराने के लिए एक टीचर पर 30 बच्चे होने चाहिए, और आईएएस बनाने के लिए एक टीचर पर 1000 लोग। कोचिंग संस्थानों में क्या हो रहा है, एक टीचर पर 1000 लोग लगभग हैं, और 1000 नहीं इससे ज्यादा भी हैं, ये मान के चलिए।
तो सोचिए नर्सरी पास कराने के लिए एक टीचर पर 30 लोगों की आवश्यकता है सरकार द्वारा, तो एक आईएएस बनाने के लिए एक टीचर पर 1000, ये कहाँ का रूल है? और ये कौन पढ़ाते हैं? वही टीचर जो आपको आईएएस बना रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको करना क्या है, जिस भी कोचिंग संस्थान में आप जाएं वहां पर ध्यान रखें रेशियो क्या होना चाहिए आपके अनुसार, जो आपको गाइड कर सके, आपसे कांटेक्ट कर सके टीचर, आपसे बात कर सके। आप 2-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, उस टीचर से आप बात कीजिए ना, उसे 10-20-50 मिनट देने चाहिए आपके साथ, एक व्यक्ति डेली कम से कम, तब तो वो पढ़ाए, वरना अपना बोरिया बिस्तर संभाले और वहां से निकल जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट रहना होगा उस टीचर से, उस गुरु से। टीचर्स में कमी नहीं है, स्ट्रेटेजी उनकी ठीक है और बेहतर हो सकती है यदि वो अपना फोकस पैसे से हटाकर, मतलब पैसा तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन पैसे से हटाकर यानी बढ़ाना है और से हटाकर स्टूडेंट में ये क्वालिटी बढ़ाए, फिर इन्हें और सेलेक्ट करवाना है। तो ये मान चलिए कि मैं आज फॉर्मूला देने जा रहा हूँ कि क्या होना चाहिए एक उसके लिए, एक मिनट, तो ये लगभग मान लीजिए 1/30 है, तो लगभग 1/20 होने चाहिए बस। किसी भी कोचिंग संस्थान में एक टीचर पर 20 लड़के होने चाहिए, तब आपकी कनेक्टिविटी उनसे बनेगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए अपना, ये मैं कोचिंग संस्थानों को भी देना चाहता हूँ, आप कोचिंग संस्थानों को इस आइडियाज को दीजिए जिससे वो बेहतर कर पाए, लोगों से जुड़ पाए असली रियल में। भले ही 10,000 रुपये वो बढ़ाते हैं कोचिंग संस्थान, लेकिन ये चीज होनी चाहिए, तब जाके रिजल्ट आएंगे। कहीं ना कहीं आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा जो आपको पढ़ा रहा है उनसे। इसमें क्या होगा, एक टीचर जो है 20 लोगों को पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ा सकता है, इसका भी मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ। आप बताइएगा, डिस्कस कीजिए आप चारों तरफ कि ये फॉर्मूला अपनाया जा सकता है कोचिंग संस्थानों में, तब हम पढ़ेंगे, नहीं तो हमें नहीं लेना है, हमें पैसे वापस करिए। कुल मिला के ये है, क्योंकि बिना कनेक्टिविटी के, बिना जानकारी के कोई नहीं, एक आया एक लेक्चर दिया और व्यक्ति चला गया, ये कोई आईएएस ऐसे नहीं बनते हैं। ठीक है, आईएएस बनने के लिए आपको जिन लोगों को अच्छा गुरु मिल जाता है वो व्यक्ति निकल रहे हैं। गुरु में कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुराना सिलेक्टेड हो, चाहे आपका सीनियर हो, चाहे आपको कोई टीचर हो, आपके घर वाले हों, कोई भी हो, यदि आपको 24 घंटे वो गाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं आप उससे अपनी शंकाओं का समाधान पा रहे हो, तभी आप बन पा रहे हो। और यही हो रहा है, हर व्यक्ति जो सेलेक्ट हो रहे हैं आपने देखे होंगे वो क्या हो रहा है, उनके साथ यही है, उनके साथ है कोई 24 घंटे जो सपोर्ट कर रहा है उन्हें। बहुत सारे लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बाहर से आते हैं, दिल्ली जाते हैं, उनका कोई सपोर्टर नहीं होता है पर्सनली, वो क्या सोचते हैं कोचिंग संस्थान ही हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान में 1000 लोग बैठे हुए, पीछे जो सबसे सीट है उस पर बैठ के प्रोजेक्टर पर पढ़ के वो सोचते हैं व्यक्ति कि हम हो गए, टेस्ट सीरीज तमाम लगा के दिए, नया धंधा आया है टेस्ट सीरीज का, चेक करने वाले, मतलब यूपीएससी को खुद नहीं पता है हम कैसे चेक कर रहे हैं एक तरह से, मतलब उनका अलग ही फॉर्मूला होता है ना कुछ, और ये कॉपी चेक करके बताते हैं लोगों को कि आपके सही हैं या गलत हैं। तो जो भी फर्जी चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल हटनी चाहिए, आपको गाइडेंस मिलना चाहिए। ठीक है, तो गाइडेंस के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी कोचिंग संस्थान में आप घुसें, एक टीचर पर 20 लड़के होने चाहिए बस कुल मिला के। और ये मुझे लग रहा है रेगुलेशन लेके आना चाहिए सरकार को, जब यहाँ पर रेगुलेशन आ सकता है तो कोचिंग संस्थानों में भी रेगुलेशन आ सकता है कुछ ना कुछ, जिससे जो बढ़ावा मिल रहा है ना लोगों को कोचिंग संस्थानों को, कि बढ़ाते जा रहे हैं बस सीट बढ़ा दी, पीछे 1000 है तो 1100 लड़के, 1100 लड़के बैठा दिए, 700 लड़के बैठा दिए, 800 लड़के बैठा दिए, ये एकेडमिक चीजें होती हैं। जब यहाँ पर नर्सरी क्लास को पढ़ाने के लिए 1/30 होने चाहिए, तो आईएएस बनाने के लिए क्या 1/1000 कैसे हो सकता है, और इसमें होना क्या चाहिए, क्या हो सकता है आने वाले समय में, हो सकता है मैं आने वाले समय में वीडियो बनाऊँ इस पर, मैं केवल आइडिया आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप डिस्कस कीजिए इसको क्या और हो सकता है ऐसी चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टीचर है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है उसी समय, तो उससे जुड़े होने चाहिए 20 लड़के, चाहे कोचिंग संस्थान में कितने भी लड़के हों, लेकिन उस समय केवल 20 लड़के जब हिस्ट्री पढ़ रहा है, पढ़ा रहे हैं पढ़ाने वाले टीचर, तो उससे 20 लड़के ही जुड़ने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पर्सनल बैठकर उसे गाइड करना चाहिए, ये बोर्ड पर पढ़ाकर कि ये पढ़ लो और ये कर लो, इससे नहीं होगा, पर्सनल गाइड करना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ने दीजिए।
जो एस्पिरेंट है उन्हें खुद पढ़ने दीजिए, आपको गाइड करना है बैठकर, उन्हें हिम्मत देनी है कहीं ना कहीं बैठकर, तब आएगा ये चीज़। उसी समय क्या हो रहा हुआ, ज्योग्राफी का कोई सब्जेक्ट चल रहा हुआ, उससे 20 लोग जुड़े हुए होंगे टीचर से, एक टीचर से। हिस्ट्री का पॉलिटी का होगा, उससे 20 लोग जुड़े होंगे, एक ही कोचिंग संस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार से फॉर्मूला अपनाया जा सकता है 20-20 का। एनवायरमेंट है, उससे 20 लोग जुड़े हुए होंगे, और कुछ ना कुछ सरकार को भी शायद हो सकता है रेगुलेशन लेकर आए कि एक कोचिंग संस्थान में अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं, ठीक है, अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं, ये भी फॉर्मूला एक हो सकता है। जैसे एक स्कूल में होता है ना, एक क्लास में अधिकतम, जैसे बीटेक की सीट है मान लीजिए, तो बीटेक की सीट में क्या क्या होता है, आईआईटीएन है मान लीजिए, आईआईटी की सीट्स कितनी होती हैं, इतनी, उससे ज़्यादा उसमें भर्ती हो ही नहीं सकते हैं। तो ये कोचिंग संस्थान अनलिमिटेड क्यों, मतलब जैसे मान के चलिए कि एक या तो शाखा हो उसकी कहीं ना कहीं दूसरी जगह हो वो ठीक है, लेकिन एक जगह पर केवल एक ही कोचिंग संस्थान होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि विविधता बहुत जरूरी है। अगर विविधता खत्म होगी कोचिंग संस्थानों में, तो जो आज हुआ है ना, इस बार हुआ है, ऐसा ही होगा, कोचिंग संस्थानों में विविधता खत्म हो चुकी है। तो वो विविधता कैसे आएगी, जब ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपनाया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस होना चाहिए। अब ये कोचिंग वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए बिल्कुल पूरी तरह से, हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से भी कहीं ना कहीं। और मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें करी थी कि आखिरकार कैसा क्या हो रहा है हिंदी मीडियम में जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है वेस्टर्न पैटर्न। वेस्टर्न पैटर्न पर ये पूरा पैटर्न बना हुआ है यूपीएससी का। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि यूपीएससी भेदभाव करती है, यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करती, यूपीएससी को चाहिए टैलेंटेड लोग, उन्हें इंग्लिश मीडियम से मिल रहे हैं वो उन्हें ले रहे हैं। आप भी टैलेंटेड बनिए, आप भी टैलेंटेड हो, बस आपको सही दिशा नहीं है, आपके पास सही दिशा नहीं है, आपको वो टैलेंट कैसे उभारना है वो नहीं पता है, क्योंकि उनको जो कोचिंग संस्थान है उनको इतना ध्यान नहीं है कि आपको क्या करवाना है। ध्यान होगा भी तो नाम मात्र का होगा, छोटा सा, पसंद चीज़ें आपको नहीं पता पड़ पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जो भी कोचिंग संस्थान चुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप चुन रहे हैं, चुनिए बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ देखिए जरूर, कितने लोग पढ़ रहे हैं फिर भी आप भरे जा रहे हो, ऐसे नहीं होता है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और हिंदी मीडियम को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मान के चलिए भले ही नहीं हो पा रहे हैं सिलेक्शन, कुछ ही सिलेक्शन हुए हैं, 4-6, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, उस चीज़ को समझना होगा आखिरकार क्या है। आपको मैं एक फॉर्मूला और दे रहा हूँ सेल्फ स्टडी का, आज आप क्या कीजिए, किसी भी शहर में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप रह रहे हो, वहाँ पर ऐसे लोगों से मिलिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपने ईगो को हटा दीजिए बिल्कुल, कहीं से भी। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ बहुत अच्छा, आप क्या कीजिए, यूपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मिलिए, या फिर करना चाहते हैं अपने कॉलेज स्टूडेंट हों या कोई भी हो, उनसे मिलिए, 4-4 का बैच बनाइए, 4 का 5 का 6 का 3 का 2 का 2 तक का भी एक ग्रुप बनाइए, कनेक्टिविटी रखिए, केवल किस चीज़ तक कि आपको डिस्कशन करना है, जानकारी इकट्ठी करनी है, कहीं ना कहीं 5-6 लोग 10 लोगों का हो सके तो और बेहतर है। एक रूम लीजिए, उसी अपने चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, एक रूम लीजिए सभी लोग मिलके, आपको क्या करना है, सुबह वहाँ से निकलना है और उस रूम पर आके सभी लोगों को इकट्ठा रहकर पढ़ाई करनी है अपनी। ये फॉर्मूला अपना सकते हो आप सेल्फ स्टडी में। सेल्फ स्टडी थोड़ा सा घर पर रहकर पर्सनली नहीं हो पाती है, कभी कभी हमारी एनर्जी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, लेकिन दोस्तों के साथ जो हमारा ग्रुप है, ईमानदार ग्रुप होना चाहिए कहीं ना कहीं, ईगो नहीं होना चाहिए उनमें कभी किसी भी प्रकार का, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये गुण आपके अंदर होने ही चाहिए। तो ये फॉर्मूला एक अपना सकते हो सेल्फ स्टडी का, यानी कि 2-3 लोग मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाइए जिसमें चीज़ों को आप देखिए। बहुत सारे ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं जो कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हेल्प आपको कर पाएंगे, कहीं ना कहीं तो कर पाएंगे, लेकिन स्टडी क्या करनी है आपको करनी होगी, बस आपको समझना होगा कि वो वेस्टर्न पैटर्न पर करनी है आपको, ना कि इंडियन पैटर्न पर, क्योंकि पूरा जो यूपीएससी का पैटर्न है वो वेस्टर्न पैटर्न है। आप चेंज कराओगे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, और परिवर्तन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तो है नहीं कि 2011 से पहले का आ जाएगा सिलेबस, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पर देख लीजिएगा या फिर एंड में स्क्रीन पर आ जाएगा क्या है वेस्टर्न पैटर्न,
हिंदी मीडियम को आखिरकार क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। हिंदी मीडियम इतना निराश हो चुका है, कारण है उसका सिलेक्शन ना होना बहुत सारे लोगों का। कुछ लोग कह रहे थे कि आपका प्री में सेलेक्ट नहीं होते हैं लोग, ज़्यादा प्री में भी सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं आखिरकार, वही किताब इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ रहे हैं, वही आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप क्यों नहीं हो रहे हो, रीजन क्या है उसका, आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो उनके आंसर, इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, जहां पर रेशियो कम से कम बस इतना हो एक टीचर पर 20 का, है ना। मान लीजिए एक कोचिंग संस्थान ऐसी होनी चाहिए या फिर कोचिंग संस्थानों के अंदर ये तब्दीली आनी चाहिए कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के मान लीजिए 10 टीचर हैं तो 10 टीचर्स के अंडर में कितने लोग होने चाहिए, 200 लोग बस, 200 लोग। पैसा कितना भी लीजिए वो आपको स्टूडेंट पे डिपेंड है, ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट है इस समय। कारण क्या है कि कोचिंग संस्थानों का कोई मायने नहीं रह गया है, अब ये ध्यान रखिएगा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, उन्होंने करी है वो ना भी करते तब भी उनका सिलेक्शन होता है, जिन लोगों ने करी है ये मान के चलिए, वो तो उन्होंने करी है इस वजह से नाम देंगे, कुछ को पैसे मिल जाएंगे इस वजह से नाम देंगे, ये बहुत बड़ा खेल है, इसमें मत फंसिए। कोचिंग करिए लेकिन इस प्रकार के फॉर्मूलेज को अप्लाई करवाइए आप पहले कोचिंग संस्थानों में, ये भरमार पड़ी हुई है इनको हटाइए, करोड़ों अरबों का जो काला बाजार हो रहा है वाइट में, इसको किसी न किसी को आना पड़ेगा, सामने बोलना पड़ेगा। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी कोचिंग संस्थान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन्हें रिव्यू करवाना चाहता हूँ, उन्हें आईना दिखाना चाहता हूँ बस, कि आप लोग क्या कर रहे हो, एक तरह से आप स्टूडेंट हैं, आप इस चीज़ को उठा सकते हो कोचिंग संस्थान के सामने, आप मिलिए जो भी कोचिंग संस्थान है उनके हेड जो हैं उनसे मिलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, उसके रीज़न क्या है कि पर्सनल नहीं मिल पा रहे हैं, पर्सनल जो गाइडेंस होता है वो नहीं हो पा रहा है, एक घंटे का लेक्चर दे के रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है एक टीचर की मुखर्जी नगर में, और एक घंटे में से भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। एक टीचर 10 जगह पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ाना है बस उन्हें, तो एक चीज पढ़ ली, इधर भी पढ़ा दिया, वही इधर भी पढ़ा दिया, उधर भी पढ़ा दिया, उन्हें लगा कि बच्चे तो सीख गए सब टीचर को, लेकिन एक टीचर का काम है, गुरु का काम है सिखाना उन्हें, और जब तक सिखाना जब तक ना आए, एक लेक्चर से कोई नहीं सीखता है, एक लेक्चर से सीख जाते हैं तब तो सभी बन जाते हैं, तो ये फॉर्मूला तो अपनाना पड़ेगा कोचिंग संस्थानों को, और बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, गाइडेंस की जरूरत है आपको, गाइडेंस अच्छी जगह से लीजिए, अच्छी जगह से, और कहीं से भी मिल जाए आपको उसको पकड़िए और अपनी स्टडी स्टार्ट करिए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये दिमाग में आ रही हैं तो आप यूपीएससी को छोड़ दें। मेरे वीडियो देखिए पुराने, मैंने क्या बात कही है उनमें, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल पूरी तरह से, आने वाले समय में मैं कुछ करूँगा जरूर, मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया भी था, हिंट दी थी, उस पर मैं काम जरूर करूँगा, कुछ लोगों को आना होगा सामने इस प्रकार की चीज़ों को करने के लिए, और निराश होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोचिंग संस्थानों को थोड़ा सा रिव्यू अगर यदि कर लें वो इस प्रकार का जो भीड़ है, भीड़ तंत्र जो बना रखा है उसको खत्म कर दें, उनका जो काम हो कोचिंग संस्थानों का वो ये ना हो कि मेरी कोचिंग संस्थान में 10 लाख लोग पढ़ें, ये ना हो उनका, बाकी में जो ध्येय हो वो हो मेरे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, एक भी स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं है कोचिंग संस्थान से, एक आध होगा इधर उधर से, और आप फोटो लगाएंगे देखना बहुत सारे है कोचिंग संस्थान में, फोटो लगाएंगे पैसे दे देकर, खासकर एक कोचिंग संस्थान है जो तो हर बार फर्स्ट रैंक वाला उसी से आता है, वो इतना मूर्ख बनाता है लोगों को, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, और मैं आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कि आपको बाकी में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, हिंदी मीडियम में आखिरकार क्या ऐसा घटित हुआ है, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देखिए उन्हें, एंड में स्क्रीन पर आएंगे वीडियो, ठीक है।
क्या ऐसा घटित हुआ है आखिरकार, क्या ऐसी परेशानी आई कि ये डाउन इतना रिजल्ट हो गया, एक तरह से विलुप्त ही करना पड़ता है। और इसके बारे में 2 महीने पहले ही बता चुका था कि रिजल्ट आएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। उसका रीजन मुझे पता था पहले ही क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि हमारी जो दिशा है हिंदी मीडियम की वो बिल्कुल गलत है। और वो गलत क्यों है, क्योंकि कोचिंग संस्थान यानी कि जो आपके गुरु हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। इस वीडियो को करते हैं लाइक शेयर हिंदी मीडियम के सभी छात्रों तक जिन जो निराशा से भरे हुए हैं, आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा कर सकते हो। ये जो फॉर्मूले हैं उनको अपना सकते हो, स्टडी ग्रुप स्टडी कर सकते हो, कहीं ना कहीं क्या क्या कमियां हैं उनको पूरी कर सकते हो। और सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।